भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टी20 बेहतरीन तरीके से खेला जा रहा है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और भारतीय टीम को न्योता दिया कि आप पहले बल्लेबाजी कीजिए। आपको बता दें कि पावर प्ले में भारत की शुरुआत काफी ताबड़तोड़ हुई और 53 रन 6 ओवर के अंदर भारत ने ठोक डाले, जिसकी वजह से यहां पर भारत पूरी तरह से दबाव बनाने में फिलहाल कामयाब रहा है। 8 ओवर 2 गेंदे हो चुके हैं, 66-1 है भारत का स्कोर फिलहाल। शिखर धवन और विराट कोहली खेल रहे हैं, केएल राहुल आउट हो चुके हैं। 47 रन उन्होंने 26 गेंदों में बनाए, 3 चौके और 4 छक्के जड़ दिए हैं। यहां पर ऑस्ट्रेलिया अब तक 8.3 ओवर में यहां पर 5 गेंदबाजों को ट्राई कर चुका है, जिसमें जेसन बेरेंडॉफ 2 ओवर में 14 रन, 2 ओवर में 16 रन, जाई रिचर्डसन, नाथन कुल्टरनाइज 2 ओवर में 11 रन देकर 1 विकेट, पैट कमिंस को 1 ओवर में 14 रन पड़े, एडम जाम्पा दूसरा ओवर फेंक रहे हैं, 9 रन उन्होंने दिए हैं। विराट कोहली को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन यहाँ पर केएल राहुल की विकेट ली है कुल्टरनाइल ने, पिछले मैच के हीरो रहे कुल्टरनाइल ने। जाई रिचर्डसन के हाथों पॉइंट के ऊपर थर्ड मैन के पास जाकर जाई रिचर्डसन से कैच करवा दिया, केएल राहुल अर्धशतक के करीब थे, 180 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की और अर्धशतक से चूक गए। अब देखना होगा कि भारत और कितने रन बनाता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।